सारांश सर बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है। 2024 में डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा ना, पूरी ऐसी फीलिंग आ रही है। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? सर देखो, 5 प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में। 5 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम सर ये है कि मेरा 11th का सिलेबस बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा। देखो जब शुरू किया था ना सर, 10-12 घंटे पढ़ता था, सच बता रहा हूँ, कसम से शिद्दत के साथ पढ़ता था, नोट्स भी बनाता था, शीट में मार्किंग करता था, सब करता था। अब बैकलॉग का और रिवीजन का पहाड़ ऐसा खड़ा हो गया है कि बैठकर ताकता रहता हूं, करंट करूं कि बैकलॉग करूं, उसी में पूरा दिन निकल जाता है, समझ ही नहीं आता। ऐसा डिमोटिवेशन आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाता हूं, सोचता हूं आज सवाल करूंगा, सवाल ही नहीं बनता। फिजिक्स में तो ऐसी हालत है, सब घूम रहा है, रोटेशन में जैसे घूमता रहता है ना, सब घूम रहा है, सब उड़ गया। और अभी टेस्ट दिया था कुछ दिन पहले सर, 312 नंबर मेरे आए, 720 का टेस्ट था, 312 में तो मेरा प्राइवेट कॉलेज भी मेरे को एडमिशन नहीं देगा। ये तीसरी, चौथी प्रॉब्लम, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और पांचवी प्रॉब्लम, अगर मैं जीरो से करता हूं मान लो तो क्या मेरा हो सकता है? सर ये चौथी पांचवी प्रॉब्लम में आसपास के दोस्त और रिश्तेदार, बता अभी मेरा एक रिश्तेदार मेरे से क्या बोल रहा था कि भाई नीट में तो इतने अटेम्प्ट होते हैं। दोस्त बोला था ठीक है, 12th में तू बोर्ड के साथ कर ले, तेरे से नहीं हो रहा तो पहले बोर्ड पे ध्यान दे ले, उसके बाद नीट कर लेना, ड्रॉप ईयर में नीट कर लेना। सर बहुत होपलेस फील हो रहा है। आप बताओ 2024 में 675 के साथ होगा कि नहीं होगा? देख तेरे को मैं दो बातें बताता हूं। एक, इधर जो रिश्तेदार तेरे को ये बोल रहे हैं, जो बोल रहे ना तेरा नहीं होगा, उनके कान में बोलना गो टू हेल, भगया से भगा देना उनको दूर, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाला, मैं डॉक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी। तुम खुद पढ़ाई कर रहे हो क्या? मैं पढ़ाई कर रहा हूं यार, मेरे को मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना, तुम कौन होते हो? उनको तो ऐसे रवाना कर देना, ऐसे मतलब भगा देना किसी को, एकदम रवाना कर देना। दूसरी बात, एक उनके कान में तो ये बोल देना, अपने खुद के कान में ये बात बोल भाई, ड्रीम ये तेरा है, किसी और का नहीं है। कहने वाले कहेंगे, बोल के चल जाते हैं, डिमोटिवेट करके चल जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों को आती है, लेकिन मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने इतने बच्चे देखे हैं जिन्होंने लिटरली 11th बर्बाद करने के बाद में क्लास 12th में के साथ में वो डॉक्टर बनने का सपना उन्होंने पूरा किया है। इतने बच्चे मैंने देखे हैं। सर एक सेशन में आपने भव्या दीदी का भी नाम लिया था कि उसे लेट थोड़ी तैयारी शुरू करी। एग्जैक्टली भाई, भव्या का एग्जाम्पल, उसकी तो फिजिक्स पूरी निपटी हुई थी, मतलब उसके यार 90, 100, 110 ऐसे नंबर आते थे। जब उसने विजुलाइज करके पढ़ना चालू करा ना, उसका पूरा केस मैं बता भी चुका हूँ कई बार और समरी बताया था, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिली, उसने पूरा विजुलाइज करके पढ़ना स्टार्ट करा ना, आज भाई वो 165 मार्क्स लेके आई वो 180 में से, ऑल हिमाचल रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 400, और वो भी 12th के साथ में। और उसके पास होता है कितना बड़ा प्रेशर था रिश्तेदारों का, उसके दोनों मम्मी पापा जो है वो डॉक्टर है, समझ रहा है, दोनों मम्मी पापा डॉक्टर, और उसके ऊपर समाज का इतना प्रेशर, उसने बताया सर जान खा रखी लोगों ने, तू भी डॉक्टर बनेगी, घर में सब डॉक्टर, मतलब भाई डॉक्टर बनना कोई ऐसे नहीं कि खेत की मूली जिसकी मर जाए उखाड़ ली, घर का खेत है। पर उसने एक सिस्टमेटिक तैयारी से तैयारी करी, मेंटर्स की गाइडेंस फॉलो करी उसने, और आज वो डॉक्टर है। तो दो बातें बोलनी है, एक रिश्तेदारों को बोलनी है, वो कमेंट में बताना क्या बोलनी है, और एक खुद को बोलनी है मैं कर सकता हूं, क्योंकि इतने बच्चों ने करा है, सिस्टमेटिक तरीका बताते हैं उससे तू कर पाएगा। अब क्या करना है मेरे को भाई? जैसे देख, ये इस बच्चे का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ये मुस्कान है, ये मतलब 11th उड़ा के आई थी पूरा। अब इसने जब से ज्वाइन करा तब से लेकर यार अभी तक 32,000 मिनट पढ़ चुकी है ये, मतलब ये अपना काफी सिलेबस बहुत जल्दी ये खत्म कर चुकी है, मतलब इसने इतना अपना सिलेबस खत्म कर लिया। वो 11th बर्बाद करके आई थी, पर मेंटर्स ने इसके साथ क्या करा, इसके सबसे पहले 11th के टॉपिक्स देखे भाई, ये इसकी बर्बादी का कारण ये था, इसको कोई गाइड करने वाला नहीं था। 10th में अपने स्कूल की टॉपर थी, एकदम से ऑफलाइन में गई, उसके बाद में इसका ताबड़तोड़ ही उलझ गया कि यार क्या हो रहा है, इतने सारे बच्चे एक बैच में, मेरे ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसका एक बैकलॉग साइकिल चालू हुआ, तो उसका डाउनवर्ड स्पाइरल चालू हो गया, एक बार गिरी नीचे किसी ने उठाया नहीं, गिरती रही। और फिर जब इसको मेंटर्स ने पकड़ा, इसको पूरा जब शेड्यूल बना के दिया, इसका तेरा क्या कमजोर है, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मीडियम है, उसके हिसाब से तैयारी कराई ना, आज गजब मचा रहा है। तो सर इन दीदी का सिलेबस पूरा हो गया क्या? यस, इसका सिलेबस पूरा हो गया, और अब ये मैं बता रहा हूं, मतलब ये रिवीजन करना इसने चालू कर दिया है।
सिलेबस खत्म करके बैठ चुकी है 11, 12 दोनों का और अब रिवीजन कर रही है, और मई तक जब इसका एग्जाम आएगा ना, मतलब तब तक ये पता नहीं शायद 3-4 बार रिवीजन कर चुकी होगी। तो भाई सारे बच्चों के लिए, उनके साथ भी वही जो मुस्कान के साथ हुआ या भव्या के साथ हुआ वही चीज हो, और वो 2024 में जो आज तुमको नीचे खींच रहे ना यार, जो आज तुम्हारे सपनों को कुचल के कंपटीशन कम करना चाह रहे हैं ना, उन सबको जवाब देना है। व्हाइट कोट पहनकर उनके घर पे जाएंगे, 675 से ऊपर नंबर लाकर उनके घर पे मिठाई का डब्बा लेकर जाएंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे कि शायद तुम जब मेरे को नीचे नहीं खींचते, डिमोटिवेट नहीं करते, तो मेरे अंदर की आग नहीं जागती और मैं अपने फेवरेट कॉलेज से MBBS करने का हकदार नहीं बनता, हकदार नहीं बनती। तो यार ये उसी के लिए है सर, अर्ली प्रहार जो ये कोर्स है। सबसे पहले यार ये एकदम लिमिटेड साइज्ड कोर्स है सर। देखो ये भव्या हो, मुस्कान हो, पिछले साल लिमिटेड साइज, ताकि मेंटर हर एक बच्चे पर 500% ध्यान दे पाए। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है तुम्हारे साथ, एक क्लियर कट पाथ नहीं है आगे कि बैकलॉग को कब कवर करें, किस टाइम तक, सिलेबस को कैसे खत्म करें और इन सारी चीजों को मैनेज कैसे करें, डेली रूटीन कैसे होना चाहिए, सवाल जो नहीं बन रहे उनको बनाने का क्या तरीका है, टेस्ट देने का क्या तरीका है, मतलब इन शॉर्ट 675 यहां से ऑलमोस्ट जीरो पर है, अज्यूम करके चलते हैं अपन कि तुम जीरो पर हो एकदम, यहां से वो 675 की जर्नी कैसी होगी, भव्या की जर्नी कैसी रही, चंदन की जर्नी कैसी रही, प्रशांत की जर्नी कैसी रही, ऐसे हजारों बच्चों की जर्नी कैसे रही कि उन्होंने वो ड्रीम मेडिकल कॉलेज अपना अचीव कर लिया। तो यार ये पूरा उस चीज के ऊपर है कि कैसे तुम लोग को वो सारी चीजें घर पे बैठकर तुम्हारे पर्सनलाइज तरीके से मिले कि 675 का ड्रीम हमारा पूरा हो। ठीक है सर, तो इसमें जो मेजर मेजर सर अपन चीजें लाए, 11th का सिलेबस, अगर सर बच्चा अभी जीरो से भी शुरू करता है ना, जो 90% बच्चे की हालत है, हम सीरियस लेट हुए या हम बीच में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ना हमने बिल्कुल छोड़ दिया, सुंदर कन्या हमको पसंद आने लग गई थी या सुंदर कना जो भी तुम बोलना चाहते हो, तो हम उधर बह गए, नीट में तो टाइम ही टाइम होता है, ड्रॉप ईयर में कर लेंगे, अब रियलाइज हो रहा है नहीं यार 12th के साथ ही डॉक्टर बनकर निकलना है, तो अगर जीरो पे भी होना, अगले 3.5 महीने में तुम अपना 11th का सिलेबस पूरा खत्म कर दोगे और ये वेल प्रूवन है। मुस्कान का तुम्हें बताया था, उसने दिसंबर से चालू किया, उसका 25-26 मार्च तक 11th फुल फ्लेजेड विद रिवीजन खत्म था। तो तुम्हारा भी होगा, जब एक बच्ची कर सकते हैं और उसके ऐसे सैकड़ों कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। सर दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पढ़ा रहे होंगे यार वो खुद हाईएस्ट रैंक्ड टीचर्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, जिन्होंने नीट की तैयारी करी थी वो AIR 196 लेकर आए, डॉक्टर बने, फिर उनके पढ़ाए हुए 25-30 हजार बच्चे डॉक्टर बने, तो खुद भी टॉप रैंक्ड है और पढ़ाए हुए बच्चे भी टॉप रैंक्ड है, और कोटा से पढ़कर, कोटा में उन्होंने सालों तक पढ़ाया, वो एक्सपीरियंस अर्जित किया और पिछले 3-4 साल से घर बैठकर हजारों बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। तो सर 25,000 से ज्यादा डॉक्टर्स बनाने वाले खुद टॉप रैंक्ड IIT और डॉक्टर टीचर्स मिल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, बच्चा सर साइमल्टेनियसली क्लास 12th का भी सिलेबस स्टार्ट कर सकता है। ये जरूरी क्यों है, एक मेंटली हम इजी हो जाते हैं कि यार अगले साल बोर्ड है, हाँ मेरी तैयारी शुरू हो गई है, मैंने 12th की तैयारी शुरू कर दी है, ये सारे टॉपर बच्चों ने भी ऐसा ही किया था, तुम्हारे साथ भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया की इकलौती सर, पिछले साल तक 4-लेयर्ड मेंटरशिप थी, वो पहले इंडिया की इकलौती थी, इतना पर्सनलाइजेशन और कहीं नहीं है, इसके एक नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, 5-लेयर्ड मेंटरशिप आपके लिए लेकर आए। मोटी मोटी चीज ये है कि यार अभी अगर सर बच्चे से सच सच पूछे ना अपन कि क्या तेरे पास कोई है जिससे तू अपने दुख शेयर कर सकता है, सर पेरेंट्स से नहीं बोल सकते क्योंकि पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है, फिर वो है ना पूरे घर का माहौल ऐसे टेंस्ड हो जाता है, अरे यार मेरे बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, वो 10 जगह यही बात करते हैं, तो जो पहले से ही सब बुरा चल रहा था वो और ज्यादा बुरा चलने लग जाता है। घर वालों को टेंशन नहीं देनी यार, उनको अपन सीधा रिजल्ट लाकर देंगे, पापा ये देखो स्क्रीन खोल कर देखो क्या लिखा हुआ है, 675 680 710 लिखे हुए, मम्मी ये देख लो, उनको यार वो मोमेंट देंगे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स वो टेक्निकलिटी समझ भी नहीं पाते हैं कि यार यहां से इंप्रूवमेंट कैसे करवाना है। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें
आपके मेंटर करेंगे। मेंटर यार आपकी पढ़ाई के पेरेंट्स की तरह से होते हैं, वो आपके गाइड होने वाले हैं। हर एक चीज, बैकलॉग हो गया, रिवीजन हो गया, सवाल ज्यादा कैसे करें वो हो गया, टेस्ट के नंबर 300 400 से उठाकर 600 650 फिर इवेंचुअली 700 तक कैसे लेकर जाएं, वो चीज हो गई। फिर इसके अलावा मोटिवेटेड कैसे रहना है, टाइम शेड्यूल मेरे को कैसे इंप्रूव करना है, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ानी है, मेमोराइजेशन कैसे बेटर करना है, हर एक चीज, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी को कैसे मैनेज करना है, नीट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये सारी चीजें यार आपको ये मेंटर्स बता रहे होंगे, ठीक है। तो यार आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। पता है क्यों, इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल पा रहा हूं, दो कारण है उसके। एक तो सर बच्चों ने करके दिखाया, ऐसी ऐसी मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जिनको जब वो आए थे कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार एमबीबीएस कॉलेज मजाक कर रहा है, 650 नंबर, अबे तेरे 500 भी आ गए ना, लोग ऐसे बोलते थे तो मेरा नाम बदल देना, पता नहीं कितनों के नाम बदलवा दिए उन्होंने, तुम भी नाम बदलवाओगे, ठीक है। और दूसरा यार सारी पावर तुम्हारे हाथ में, देखो अभी तुम्हारे सामने क्या मजबूरी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सर बच्चों के साथ ये मजबूरी है कि अगर वो तेज पढ़ना चाहते हैं ना वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि आगे का अवेलेबल ही नहीं है, या फिर वो शुरू में धीरे पढ़ना चाहते हैं वो भी वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि सब अपनी स्पीड पे पढ़ा रहे हैं, तो ना मैं तेज पढ़ सकता ना मैं धीरे पढ़ सकता, इस चक्कर में तो मेरे बैकलॉग क्रिएट हो गए। यार यहां पर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, तुम्हारे पास इंडिया के बेस्ट विजुलाइजेशन वाले लेक्चर्स होंगे। तो यार सारांशर से पूछते हैं, सर भव्या ने जो हिमाचल रैंक 1 थी उसने कितना क्रेडिट अपनी फिजिक्स इंप्रूवमेंट का विजुलाइजेशन को दिया? सर मतलब उसके इंटरव्यू को अगर बच्चे सुनेंगे ना तो पूरा बोलते, उसने तो एक एक लेक्चर देखा हुआ है, उसको तो एक एक चीज याद थी। सर बीट्स मेरे को आज तक विजुलाइज नहीं थी, आपने बीट सुना दी, स्टैंडिंग वेव्स दिखा दी, रोटेशन मोशन दिखा दिया, तो देखने से क्या फायदा हुआ? उसके मन में जो फिजिक्स को लेकर डर था ना, वो क्वेश्चन पढ़ती थी उसको क्वेश्चन से पहले ना क्वेश्चन का डर मार देता था, तो उसने विजुलाइज करके पढ़ा ना, तो विजुलाइजेशन से क्या हुआ, उसके कॉन्सेप्ट खुल गए और उसका डर खत्म हो गया कि यार ये तो मूवी चल रही है एक तरह से। जब समझ में आया तो क्वेश्चन होने लगे, क्वेश्चन होने लगे तो कॉन्फिडेंस आया और समझ में आने लगा उससे, तो क्या उसका अच्छा साइकिल बन गया। लेकिन उसने एक चीज करी थी, उसने सारे लेक्चर्स विजुलाइजेशन से देखे, उसने मेहनत करी, विजुलाइजेशन से इंप्रूव करा और देखो आज तो मेंटर्स ने मेरे पर्सनल शेड्यूल बना के दिया कि भाई ये यार तेरे ये वीक चैप्टर से यहाँ कम स्कोर कर रही है, ऐसे पढ़ तू पहले इनको, ट्वेल्थ का साथ में चलती जा, ये सब करके पूरा पर्सनलाइजेशन करवाया और उसने फॉलो किया। मेन बात है उसने फॉलो किया, मेहनत तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये था उसके कस्टमाइज प्लान उसको मिल गया, ये उसके पास सबसे बड़ी पावर थी और विजुलाइजेशन के लेक्चर्स उसको मिल गए। सर देखो मक्कार बच्चे के लिए और कमजोर दिल वाले बच्चे के लिए डॉक्टर बनना नहीं लिखा यार, तुम गलत फील्ड में आ गए हो, बहुत सिंपल बोल रहा हूँ। अगर सर बच्चा 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकता ना यार, तुम पढ़ सकते हो। सर एक डॉक्टर की जो जिंदगी होती है वर्सेस एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करे हुए बच्चे की जो जिंदगी होती है यार, उसमें उतना ही फर्क होता है जितना सचिन तेंदुलकर में और गली क्रिकेट वाले क्रिकेटर में होता है, बस उतना ही होता है, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं होता, बस उतना ही होता है। तो यार अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो सूरज की तरह यार जलना भी पड़ेगा। अगले 16 महीने तक तुमको लगातार ऑन एन एवरेज हर वीक में 70-75-80 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, ये हर टॉपर करता है। AR1 से लेकर AR 2000 तक जो बच्चा आता है उसकी मेहनत तो यार बराबर होती है, पढ़ने के तरीके में अंतर आ जाता है, मेहनत में भी अंतर आता है, पर अगर तुमको 650 प्लस लाने हैं, मैं मिनिमम बोल रहा हूं ये 650 प्लस लाने, तो ये लिखकर मेरे से आज ले जाओ कि यार 10-12 घंटे तो तुमको एक दिन में पढ़ना पड़ेगा। और यार इसके लिए मोटिवेशन की जो जरूरत होती है ना सर, वो ये मेंटर्स करते हैं। मेरा ब्रेक नहीं लग जाए, अभी तक तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि तुमने कितना पढ़ा ना ये कोई चेक करने वाला नहीं है, तुमने 3 दिन में कितनी मक्कारी काटी ना इसके लिए कोई डांटने वाला नहीं है। पेरेंट्स को कब पता चलता है, जब टेस्ट में नंबर खराब हो जाते हैं, उसके पहले तो उनको पागल बना ही लेते हैं, उसमें महारत हासिल है। मेंटर को यार सब कुछ तुम्हारा दिखता है, वो टेक्नोलॉजी की मदद से जब वो हर एक चीज को ट्रैक करते ना तुम्हारी, तो तुम उनको पागल नहीं बना सकते यार, वो तुमको ना पकड़ लेंगे, धर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम भी कर सकते हो सर, नीट के मॉड्यूल्स अमेजिंग वाले, कोटा के सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन, पूरी पैडागोगी जो टॉपर्स वाली होती है 25,000 रैंक के 25,000 प्लस क्वेश्चन के साथ, एंड में और एक्स्ट्रा मटीरियल बच्चों को दिया जाता है। पूरा एक टेस्ट सिस्टम है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट से लेकर रिव्यू टेस्ट से लेकर एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बेस, मान लो पैटर्न बदल भी जाता है, आजकल बार बार बदलता है, तो सारे पैटर्न नए हो जाएंगे तुम्हारे लिए। वैसे वाले 200 प्लस टेस्ट अब से लेकर 2024 नीट तक तुम्हारे लिए होने वाले हैं।
ठीक है, फोर लेयर्ड लाइव डाउट सॉल्विंग सिस्टम सर बच्चों के लिए यहां पर होने वाला है। तुम्हारे डाउट एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, डिटेल में इसके बारे में भी बात करते हैं। फिर सर एमईक्यूज बच्चों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नीट में काफी रेपिटेशन होता है, वही प्रोफाइल से बार बार, अपन ने नीट का प्यार में भी वो बच्चों को बता ही रहे हैं कि यार सर बता रहे थे, मैंने वीडियो सुना था, वर्क एनर्जी पावर इतना बड़ा चैप्टर है, पर सर वो पावर के सेक्शन में से ही बार 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पूरी नॉलेज को जो पूरी टीम दिन रात मिलकर इकट्ठा कर रही है, उसके बेसिस पर तुमसे यार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे नीट के पहले। सर इसके अलावा 11th और 12th, 11th की भी बच्चों को सपोर्ट मिलेगा, 12th बोर्ड जो सबसे बड़ी परेशानी होती है हमारी, पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, उसकी पूरी तैयारी तुम्हें ईसरल कराएगा, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे वो सर बच्चे का बोर्ड का मटेरियल हो, चाहे बच्चे का बोर्ड का टेस्ट हो, सारी चीजें जो 90% के लिए जरूरी है वो होगा, और तुम लगातार पढ़ते रहो, इसके लिए रेगुलर मोटिवेशन के सेशंस होने वाले हैं। तो यार कोटा की टॉप IIT और डॉक्टर फैकल्टीज तुम्हें पढ़ा रही होंगी, सर आंसर जिनके खुद की ऑल इंडिया रैंक 41 थी अपने एग्जाम में, सर ने प्रूव करके बताया कि टॉप 100 में रैंक कैसे लाई जाती है, उनको वो तरीका पता है कि यार टॉप 100 रैंक कैसे लाई जाती है। फिर इसके बाद सर के पढ़ाए हुए बच्चे, वो भव्य हो गए, हिमाचल रैंक 1, चंदन हो गया, इन्होंने नीट एग्जाम में ये प्रूफ करके बताया कि बच्चों से 675 प्लस नंबर किस तरीके से लेकर आए जाते हैं। तो दोनों चीज खुद ने भी किया, बच्चों ने भी किया। गूगल की जॉब छोड़ दी यार, पढ़ाने का इतना पैशन, फिजिक्स के पीछे इतनी दीवानगी कि यार जो सबसे मोस्ट अवेटेड जॉब होती ना इंजीनियरिंग में, सर ने यार उसको ऐसे ऐसे बिना एकदम सेकेंड थॉट भी नहीं आया कि मेरे को पढ़ाना है यार, पढ़ाना ही मेरे लिए पैशन है, उन्होंने वो कर दिया। तो यार तुम्हारी फिजिक्स सॉर्टेड है। सर नीट में अगर मेरे को फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो मैं नीट फोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी टेंशन खत्म, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी एकदम पीस ऑफ माइंड के साथ पढ़ूंगा। तो सर जो बच्चा स्टैंडर्ड तरीके से फिजिक्स पढ़ता है वर्सेस जब बच्चा ईसरल में फिजिक्स पढ़ेगा, आपसे फिजिक्स पढ़ेगा, तो क्या डिफरेंस वहां पर आने वाला है? भाई मेजर डिफरेंस यार ये है, हम कॉन्सेप्ट्स को रटते नहीं है। बच्चे क्या होते हैं नीट में जनरली बायोलॉजी की तरह से रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल जो नीट के सवाल चल रहे हैं ना यार, उसमें देखा है कि एप्लीकेशन और कंसेप्चुअल लेवल पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मतलब अगर आप प्रोफाइल रट के जा रहे हो ना, तो चांस है 50% ही रह गई कि आपका सवाल हो जाएगा। तो अब ये तरीका पिछले बारों की तरह से नहीं है, अब नीट ने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो भाई तुम कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करके, अभी बताएंगे तुमको, कॉन्सेप्ट विजुअलाइज करके जब पढ़ोगे ना, तुम्हें दिखने लग जाएगा यार रोटेशन में गोला कैसे घूमता है। यहाँ ऐसा नहीं इमेजिन करो गोला घूम रहा है, यहाँ एक्चुअल में दिखेगा गोला घूमते हुए। तो जब तुम्हें फिजिक्स विजुलाइज होगी जैसे भव्य ने हुई, तो तुम यार कॉन्फिडेंस आओगे। और देखो रैंक फिजिक्स से आती है, रैंक फिजिक्स से आती है, सिलेक्शन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कराएगा आपका, पर रैंक आपकी फिजिक्स डिसाइड करेगी। तो फिजिक्स में तो गारंटी है, अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, समझ लिया, क्वेश्चंस कर लिए, 150 नंबर पक्के हैं, कम से कम 150 प्लस मतलब पक्के हैं आपके नंबर। सर मतलब नीट के इतने हजारों लाखों बच्चों से बात हुई है, सबका जिनका नहीं होता ना यही फीडबैक होता है कि सही टाइम पर अगर फिजिक्स संभाल लेते ना, कोई अगर हमको फिजिक्स समझा जाता ना, वो काइनेमैटिक्स में 50-50 प्रोफाइल बनाकर सर रटा दिया जाता है बच्चों को, इतना कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, कुछ याद ही नहीं आता है। जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री याद करने के लिए ऑलरेडी कम थी, कि फिजिक्स को भी आप याद करवा रहे हो। और यार तुम मेरे से लिखा के ले लो, अगर तुम फिजिक्स को याद कर रहे हो ना, अगर तुम फॉर्मूले बना बनाकर प्रोफाइल बना बनाकर कर रहे हो ना, ये मेरे से लिख के ले लो, 100 नंबर से ज्यादा तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में नहीं आएंगे। और 100 नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं, तो 80 नंबर तो वैसे ही कट हो गए, 720 से हम सीधा 640 में तो वैसे ही आ गए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फुल ऑन फुल थोड़ी ना आ जाएंगे, वहां पर भी कुछ कुछ नंबर तो कटेंगे, 600 पर तुम ऑलरेडी आ चुके हो। तो यार ऐसे काम मत करना, अगर तुम्हारे फिजिक्स में 150 मिनिमम नहीं आ रहे ना, तो तुम 675 भूल जाना। ये हर साल का डेटा है सर, हर वो बच्चा जो 675 स्कोर करता है वो फिजिक्स में भी 150 नंबर स्कोर करता है, वहीं से रैंक निकलती है। तो यार फिजिक्स तुम्हारे लिए मोस्ट फियर्ड से मोस्ट लव्ड सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि यार ये हजारों बच्चों का फीडबैक है। ठीक है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री यार मैं पढ़ा रहूंगा, मैं खुद IIT बॉम्बे से हूं। वो ही देखो फिजिक्स वाली चीज सर, दूसरे नंबर पे बच्चों को जो तंग करता है ना, वो केमिस्ट्री होती है, उसमें भी खासकर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो फिर भी मेरे को चलो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वहां पर मैथ्स आ जाती है। तो यार नीट में कुछ इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई है कि यार एक तो तुम्हें ट्रिक समझ में आ जाए कैलकुलेशन जल्दी करने की, कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए सबसे पहले, ताकि कॉन्सेप्ट अपन पहले समझ लें, तो यार चीजें दिखने लगेंगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री और सर दूसरे नंबर पर ऑर्गेनिक परेशान करती है, क्योंकि वो पूरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। उसमें से मैं पिछले सालों में इतने ट्रेंड देख रहा हूं कि बीच में से भी उठाकर थोड़े थोड़े सवाल पूछने लगे हैं, मैकेनिज्म भी अब इंपॉर्टेंट होने लगा है। तो
यार सारी चीजें तुम्हें औसम तरीके से विजुलाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर यार बायोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, बायोलॉजी के बड़े बड़े मेगा स्टार्स शिवानी भार्गव मैम, 100 मिलियन प्लस व्यूज है इनके यूट्यूब पे, 10 साल हो गए अब करीब करीब डॉक्टर बनाते हुए, इनसे पढ़े हुए, इनके लेक्चर्स देखकर डॉक्टर बनने वालों की संख्या लाखों तक में पहुंच गई है अब, इतना एक्सपीरियंस है, मतलब इनके खून में नीट बायोलॉजी दौड़ती है आप ऐसा मान लो। फिर यार इंडिया के हाईएस्ट रैंक बायोलॉजी टीचर के लेक्चर्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं, खुद की ऑल इंडिया रैंक 196 थी, स्टेट वाला एग्जाम तब ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था उसमें 46 रैंक सर की थी, ठीक है। तो यार ये ऐसे ऐसे टीचर्स जिन्होंने मचाया हुआ है खुद ने लाइफ में वो मिलने वाले हैं। और फिर यार पूरी प्लानिंग आपकी पीछे से कर रहे होंगे सपोर्ट सिस्टम, इंडिया के सबसे बड़े अकेडमिक मेंटर एंड मास्टर प्लानर जिन्होंने पूरे कोटा को खड़ा किया है, इनफैक्ट नीट की फील्ड के भी काफी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी गाइडेंस पूरी एनके सर अभी तक देते आए हैं। तो यार वो पूरी गाइडेंस सर के अंडर 2 AR1 नीट में सर की मेंटरशिप में AR1 तक पहुंचे, और उनसे बोलो यार तुम्हारा एक्स फैक्टर क्या था, बच्चे बोलते हैं एनके गुप्ता सर की गाइडेंस, बाकी सबके पास वो नहीं थी। सर अभी मैं गया ना एम्स में गया मैं दिल्ली में, तो मैं डॉक्टर ऐश्वर्या जो मिली वो ऑल इंडिया रैंक 2 है, जब मैंने उनको बताया कि आप एनके गुप्ता सर को जानते हो, उन्होंने कहा ओ एनके गुप्ता सर को कौन नहीं जानता भाई, मैंने कहा मैं उनका बेटा हूं, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो आप एनके गुप्ता सर के बेटे हो, मतलब उनका जो रिएक्शन था ना, अरे कैसे है सर, कैसे है, हेल्थ कैसी है, मतलब यार मतलब वो होता है ना कि यार कोई बिछड़ा मिल गया हो मतलब 10 साल बाद, तो वो उनका रिएक्शन था। तो इतने टॉपर्स, और वो एम्स में AR2 थी और नीट में AR2 थी। और सर बच्चों को एक बात और बता दूं यार कि मैं सबसे छोटा भाई हूँ, सारांश सर बड़े भाई हैं और एनके सर हमारे फादर हैं यार, इंडिया की अकेली ऐसी पूरी फैमिली जिसमें तीनों IIT से हैं और यार बच्चों के लिए एक मिशन पे निकल पड़े हैं। और यार हमारी जो भुआ जी हैं वो तो यार PG में top 10 रैंक होल्डर थी, नीट में भी उन्होंने, उस टाइम तो सर AIPMT हुआ करता था उसमें उन्होंने मचाया है। तो यार ये पूरा वो जो चीज है ना कि पढ़ाई में एक्सेल कैसे किया जाता है, पूरी पैडागॉजी जो क्रैक है यार, वो तुम्हारे लिए हम इसमें लेकर आए हैं सर। बच्चों को अमेजिंग वाले विजुलाइजेशन वाले लेक्चर्स यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज यार तुमको बहुत इजीली विजुलाइज हो जाएगी, और विजुलाइज जब हो जाएगी तो तुम भूलोगे नहीं। तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो यार, तुम बाहुबली देख रहे हो, बाहुबली का कोई सीन चल रहा है, अब यार तुम्हारे वो दिमाग में छप जाएगा, तुम्हारे को उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिमाग में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। वैसे यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तुम्हारे दिमाग में तीनों सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली छप जाएगी। सर जब वो बोल रहे होंगे ना कि यार हार्ट में ऐसा होता है या लिवर में ऐसा होता है या देखो ये खून बह रहा है, तो वो दिख रहा होगा एक्चुअली में चलते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप, देखो 4 लेयर्ड अभी तक ऑलरेडी थी, क्या क्या था सर 4 लेयर में, पर्सनल मेंटर, ये बच्चों के मेक और ब्रेक वाले फैक्टर होते हैं। मेरे पास कोई है जो मेरा अपना है, जो मेरे को डांटेगा भी सही, प्यार भी करेगा, घर पे फोन मिलाकर पेरेंट्स से शिकायत भी करेगा, सही रास्ते भी बताएगा, पढ़ाई करने के बताएगा, बताएगी, जो भी आपके मेंटर होने वाले हैं। फिर प्रोग्रेस मेंटर, सर ये पीछे से काम करते हैं, मेंटर को बताते रहते हैं अबे तेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, देख ले 3 दिन हो गए, से 4 घंटे का एवरेज आ रहा है, फिर बाद में मत बोलना सिलेक्शन नहीं होएगा इसका, अभी बता रहे हैं इसको जाके पकड़ ले, डांट दे तुम्हारी डांट पड़ जाएगी, तो तुम ट्रैक पर आ जाओगे। सर बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था ना, मेरे को पता था कि मेरे मेंटर मेरे लिए बहुत पेन ले रहे हैं, मैं अपने मेंटर के लिए पढ़ लेता था कि मेरे को उनको जवाब देना है, आज रात को मेरे स्टडी आवर्स भेजने हैं मेरे को मेरी गीतिका मैम को। तो सर वहां से है ना जब छोड़ देते थे ना, तो मेंटर का चेहरा हमारे सामने आ जाता था, वो मेंटर की बातें हमारे सामने आ जाती थी कि बेटा इस बार डॉक्टर बनना है, क्या तुम्हारे पास अभी ये है, नहीं है यार, इसीलिए तो सर बच्चे 10-10 दिन गायब हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है। और इन मेंटर्स के तुम्हारे पास नंबर रहेंगे, सबसे बड़ी बात है, जिनको तुम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे पास कोई है जो तुमको समझता है, या जो मिसिंग फैक्टर है ना वो ये है, जिससे तुम्हें जो तुम्हारे हिसाब से गाइडेंस देगा, सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें समझेगा। तो यार मेंटर्स को पूरा यूज उठाओ, इनसे पूरी गाइडेंस लो, टीचर्स की गाइडेंस तुम्हारे साथ है, स्पेसिफिक सेशंस लगते हैं, टेस्ट स्ट्रेटेजी का मेरा सेशन थर्ड लेयर पे, प्रतीक सर का सेशन, एनके सर का सेशन, बायोलॉजी के टीचर्स का सेशन, संवाद सेशंस लगते हैं आपके, फिर सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, वो अभी लॉन्च भी होने वाला है इस साल के बैचेस के लिए, ठीक है ना। फिर आपको एक और चीज जो एडिशन हुई है, डेली 1 आवर वीडियो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हो मेंटर के साथ। सर ये धमाका है, मतलब इंडिया में ऐसा कहीं हो रहा है अभी, मतलब सर ये तो अनइमेजिनेबल चीज है जो हो रही है, मतलब बच्चा अपने मेंटर से उस 1 घंटे की विंडो में जाकर जो मर्जी डेली पूछ सकता है। आज मेरे को सर मान लो छोटी सी तकलीफ आई कि फिजिक्स का अप्रोच समझ में नहीं आ रहा, मैं गया, मैंने वो विंडो खोली, मैंने मेंटर से जाकर पूछ लिया। बाकी सब जगह पर सर क्या होता है, मेरे को है ना वो लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट, जो डॉक्टर की लाइन लगती है ना लंबी लंबी, मेरे को ट्यूजडे को प्रॉब्लम आई, मेरा अपॉइंटमेंट मेरे को फ्राइडे को मिला,
वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी यार, तुम ऑलरेडी हार मान चुके होगे। यहाँ पर सर बच्चा कॉल भी कर सकता है, या फिर जो डेली एक घंटे की विंडो खुल रही है वहाँ पर फेस टू फेस जाकर भी पूछ सकता है, जिस मोड के साथ भी तुम कंफर्टेबल हो। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप के साथ कंफर्टेबल होते हैं, वो चैट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हर मेथड है यार, चैट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, इससे ज़्यादा यार मिल ही नहीं सकता। इसीलिए तो ऐसे ऐसे बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं जिनको जमाना बोल चुका होता है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो सर लाइन है ना, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। फिर उसके बाद सर हर बच्चे का एक नेक्स्ट लेवल पे पर्सनलाइजेशन होता है। आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। सर ये जो बच्ची है ना अपनी, जिसका मैंने अभी एग्जांपल बताया था, मुस्कान, आप ये देखो 28 अक्टूबर को उस बच्ची से बात हुई, सिलेबस ज्यादा बाकी नहीं है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, तो मेंटर ने बोला ज्यादा हवा में मत उड़, प्रैक्टिस कर ले, टेस्ट दे ले और रिविजन कर ले। सिलेबस खत्म हो गया था तो वो चिल होगी होगी कि बोर्ड की तैयारी कर लेती हूँ। मैम ने धक ले कि भैया सिर्फ एक बार सिलेबस करने से नहीं होता है नीट, रिविजन करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, घिसना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ता है। वो प्यार भरी भाषा में लिखा हुआ है पर मैं उनका समझ गया। फिर सर 5 दिन बाद ही 3 तारीख को दोबारा से चेक कर लिया और वही वाली बात बोली कि तूने टेस्ट दिया कि नहीं दिया। यार तुम सोचो, अभी तक 4-5-6 महीने हो गए तुम्हारे से प्रिपेयर करते हुए, किसी ने पूछा क्या कि बेटा कैसा है, कैसी चल रही है तेरी प्रिपरेशन, किसी ने तुम्हें अपना बेटा मानकर वैसा व्यवहार किया क्या कि बस जाते हो क्लास में बैठ जाते हो, जैसे आराम जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, छोड़ो बाकी भगवान जाने, नीट के दिन नहीं होएगा कोई बात नहीं, ड्रॉप ले लूंगा वापस उस इंस्टीट्यूट में। नहीं यार, तुम्हारा करियर है, तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर सर उसके 12 दिन बाद बच्ची ने मान लिया होगा, अच्छे से पढ़ने लग गई, फिर कर लिया। बच्ची ने बोला अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेंटर ने बोला ठीक है ध्यान रख, पर साथ में सर एक लाइन ये भी चिपका दी, पहले तो 12 घंटे पढ़ रही थी ना, तबीयत ठीक नहीं है बेटा 6-7 घंटे पढ़ ले, जब तेको अच्छा लगे तब पढ़ ले, पर पढ़, क्योंकि सर टॉपर वही होता है जो मन ना लगने पर, तबीयत खराब होने पर भी पढ़ता है, मन लगने पर जो पढ़ लेता है यार वो तो 7 दिन पढ़ के फ्री हो जाता है। टॉपर कौन होता है, 675 वाला कौन होता है, जब उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है ना, जब वो गिव अप कर चुका है ना, सारा आंसर के पीलिया हो गया था, 39 kg वेट रह गया था 54 kg से, पर ये तब भी पलंग पे लेटे लेटे इनकी मदर, मेरी भी जो मदर है, वो नोट्स लेकर बैठी रहती थी, ये उससे नोट्स पढ़ते रहते थे, इस जज्बे से टॉपर बनते हैं। 18 लाख बच्चे के एग्जाम में टॉप 2000 में आना मजाक नहीं होता, जलना पड़ता है, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, और तुम्हारे हर सैक्रिफाइस में तुम्हारे मेंटर तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। सर बच्चे के लिए हर एक वो चीज़ें जो उसको चाहिए, नीट की शीट्स हो गई, नीट के नोट्स हो गए जो अभी और अपग्रेड हो रहे हैं, बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, पिछले 10 साल के 2008 से 18 तो हैं, 19, 20, 21, 22, 18 के भी अवेलेबल हैं, हर एक वो चीज़ जो चाहिए। और ये शीट्स बच्चों लेवल वाइज और टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, मतलब जो सारी शीट्स है ना टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, तो तुम्हारे 11th का कोई सा टॉपिक कमजोर रह गया होमवर्क इंडेक्स मिलेगा, तो जो सब टॉपिक कमजोर रहेगा तुम उसके सवाल करो। लेवल 1 लेवल 2 में एक्सरसाइजेस बटी हुई है, फिजिक्स में हमने स्टार्टर्स भी डाले हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे वो फिजिक्स स्टार्टर्स नाम से तुमको मिलेंगे। तो सारी चीजें बच्चे के लिए तुम्हारे लिए पर्सनलाइज लेवल पर है। सर मेरे को आज एक बात याद आई, एक बच्ची से मेरी आज बात हो रही थी आयशा करके, उसने बोला सर मेरे को ना ये 4 चैप्टर की उसने मेरे को लिस्ट बता दी कि सर देखो मेरा GOC, मेरा आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन और IUPAC जो 11th की ऑर्गेनिक होता है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैंने उससे बोला कि यार तू शीट देख, होमवर्क इंडेक्स में जा, हर सब टॉपिक में से एक एक सवाल कर ले, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यार इतनी पावर होती है जब आपका जो मॉड्यूल्स होते हैं ना वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जब उनमें यार एक साइंटिफिक अप्रोच लगा होता है तो यार बच्चा फोड़ता है, ठीक है। सर प्रिंटेड मटेरियल भी है बच्चों के लिए, तो यार आपके घर पे प्रिंटेड मटेरियल पहुंचेगा, आप उसमें मार्किंग करोगे, मार्किंग कैसे करनी है यार वो आपको ऑल इंडिया रैंक 41 सिखाने वाले हैं, हर एक चीज स्मूथ चलेगी, मेहनत बस तुमको करते जानी है। और सर इसके अलावा सारी चीज है, पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एंड में हो जाएगी, मनमान सर 25-30 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, दिक्कत ही नहीं है, स्कोर होगा पूरा बाकायदा, जिसमें पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, टेस्ट ही टेस्ट होंगे यार, टेस्ट की कोई कमी नहीं है। तुम ये 200 कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूं 200 और दे दूंगा, उसके बाद तुम 400 कर लो 200 और दे दूंगा, कोई कमी नहीं है। पर सर ये 200 करके 675 प्लस नंबर आ जाते हैं, ये वेल प्रूवन है, मेजर टेस्ट है, माइनर टेस्ट है, सारी चीजें हैं। फिर यार देखो सर डाउट तो आएंगे, ऐसे ही एक बच्चे ने सोचा सर मेरे को बहुत डाउट आते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, पता है तुमको अगर तुम्हें डाउट आ रहे ना तो ये अच्छी बात है। सर जो नहीं पढ़ता उसको डाउट ही नहीं आते, वो चिले ठीक है ऐसी की तैसी कराओ। अगर तुम्हें डाउट आ रहे हैं तो इंडिया का सबसे सिंप्लीफाइड तरीका, मैं इजी नहीं बोल रहा क्योंकि
ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बार मैंने सवाल किया और हाँ ठीक है मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया मैंने पूछ लिया, नहीं अटेम्प्ट तुमको प्रॉपर करने पड़ेंगे, पर सबसे जल्दी और आसानी से तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, फोर लेयर डाउट सॉल्विंग। और सर इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है कि जो अपनी डेली डाउट सॉल्विंग लाइव क्लास हो रही है ना, और वो भी ऐसी होती है कि बच्चा किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक से। जैसे मान लो मुस्कान है, वो आज सिलेबस के एंड तक पहुंच गए, खत्म हो गया है, तो वो अलग टाइप से डाउट पूछेगी। वो बच्चा जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है मुस्कान आज रोटेशन के डाउट पूछ रही हो, पर वहीं पे हो सकता है कि पलक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाउट पूछ रही हो। अगर टॉपिक वाइज डाउट क्लास लगाते हैं ना, तो बच्चा बंध जाता है कि अच्छा जब मेरा टॉपिक आएगा तब मैं डाउट पूछूंगा। यहां पर यार ऐसा नहीं है, ये ओपन लाइव डाउट क्लास होती है, तुम्हारा जो टॉपिक है तुम उससे डाउट पूछ सकते हो, और इसी के कारण यार बच्चे मस्त तरीके से डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा सर हर जो अपनी शीट है टेक्सचुअल सॉल्यूशन है, बहुत शानदार वाले डिटेल्ड वाले तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, और ये हमेशा अपग्रेड होते रहते हैं, कभी रुकता नहीं है यार काम, आप हमेशा बेटर 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 हो सकते हो। इस सर की ये भूख शांति नहीं होती है कभी। फिर सर बच्चे को डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टूल मिलता है सेकंड लेयर पे, तुमको जब भी डाउट है यार वो डाउट डाल दो, 24 से 48 आवर्स में तुम्हारे को उस डाउट का सोल्यूशन डाउट सॉल्विंग टूल पर मिल जाएगा। हम इसको बोलते हैं इसरल दोस्त, ये आपका दोस्त है यार, डाउट सॉल्वर टूल, ठीक है? तो आपका दोस्त आपके साथ हमेशा है आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। तीसरी लेयर सर अपन ने बताई थी, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस जो होती हैं, और चौथा फिर भी कुछ ना अगर समझ में आए तो पर्सनलाइज्ड लाइव डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज। कैसे? मेंटर को बोलो, वो आपको टीचर से कनेक्ट कर देंगे, वो टीचर आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो सर सारी वो चीजें जो बच्चे को एम्स दिल्ली तक जाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, सारी वो चीजें बच्चे को यहां पर मिलने वाली हैं। इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स जो आप अपनी स्पीड पर अपनी टाइम पे अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस के लिए शीट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट के लिए सारे तरीके के टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल। यार तुम्हारे को मेहनत करनी है ना, कब क्या कैसे कितना क्यों सब मेंटर तुमको करके देंगे, मेहनत कर लो बस, और मेहनत करने में मेंटर मदद करेंगे। डाउट सॉल्विंग के लिए डाउट सॉल्वर टूल है, मेंटरशिप अपने पास इंडिया की इकलौती 5 लेयर्ड है। तो यार कोर्स इज ओपन, ठीक है, बंद हो जाएगा, क्योंकि मेंटर्स यार ऐसे नहीं है इसरल में कोई भी मेंटर भर लिए चलो, बच्चों के एडमिशन ज्यादा हो गए माय गॉड इस बार मेंटर्स भर लो, नहीं यार, मेंटर्स पहले प्रॉपरली ट्रेन होते हैं, उनका एक एक चीज चेक करी जाती है कि यार वो कैसे बच्चों को मेंटर कर रहे हैं, फिर ही एडमिशंस ओपन किए जाते हैं, ठीक है? तो यार ये 2024 का एक अर्ली बैच है उन बच्चों के लिए जिनकी 11th उड़ चुकी है एकदम, या जो सर एक दूसरे कैटेगरी के भी बच्चे हैं जो तेज करना चाहते हैं। तुम बाकी कहीं पर तेज नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि यार वो तो अपनी स्पीड पे पढ़ा रहे होंगे। सर इस बार इतने सारे बच्चे हैं 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं, वो जुलाई अगस्त में ही मुस्कान जैसे सितंबर तक ही सिलेबस खत्म करके बैठे थे। तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो। तो यार तुम बहुत पिछड़ गए हो, सही भी चल रहा है, तुम तेज पढ़ना चाहते हो, हर एक बच्चे के लिए इस कोर्स में कुछ ना कुछ है, बिकॉज दिस इज अ पर्सनलाइज्ड बैच जहां पर तुम्हारे मेंटर तुम्हारी मदद कर रहे होंगे, ठीक है? तो यार सारी चीजें सर, बैच इज ओपन, 50% ऑफ है तुम्हारे लिए इसमें, यार वो खत्म हो उसके पहले एनरोल कर लेना, ठीक है? मिलेंगे कहां पर? एम्स दिल्ली में। अभी सारा आंसर होके आए थे, वहां पर उनको बच्चे मिले, अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे, तब अपन मिल रहे होंगे। ऑल द बेस्ट।